नमस्कार, मैं वैष्णवी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को बिहारी न्यूज की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 26 तारीख, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 1 अप्रैल से पूरे बिहार में टोल टैक्स में इजाफा। ट्रेनिंग में नहीं पहुँचने वाले शिक्षकों के लिए निकाला फरमान। प्रदेश के इन जिलों में बारिश की संभावना। इन 4 कारणों से बिहार बोर्ड वार्निंग के रिजल्ट में हुआ सुधार। चेहरे से होली के रंग को हटाने के लिए अपनाएं ये नुस्खा। ट्रेन से सफर के दौरान इन बातों का रखें ख्याल। आज इन टीमों के बीच आईपीएल का 7वां मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। नॉन टीचिंग के पदों पर नवोदय विद्यालय समिति ने निकाली भर्ती। नॉन टीचिंग के पदों पर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 1377 पदों पर नियुक्ति निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए अधिसूचना पत्र जरूर देख लें। 1 अप्रैल से पूरे बिहार में टोल टैक्स में इजाफा। 1 अप्रैल से पूरे बिहार में टोल टैक्स में इजाफा होने जा रहा है। 5 से 20 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। मालूम हो कि दूरी के अनुसार टोल टैक्स लगता है। मालूम हो कि पूरे बिहार में 32 टोल प्लाजा हैं। वहीं फिलहाल पटना से बख्तियारपुर टोल प्लाजा पर जीप समेत छोटे वाहन का टोल टैक्स 130 रुपए है, जबकि हल्के व्यावसायिक वाहन और मिनी बस पर टोल टैक्स 200 रुपए है। वहीं बस, ट्रक और अन्य 6 चक्कों वाले वाहनों पर टैक्स 400 रुपए लगता है। इसमें अब बढ़ोतरी हो गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अभिमन्यू सिंह के बारे में। अभिमन्यू सिंह एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। वह मुख्यतः हिंदी फिल्मों समेत तेलुगु फिल्मों में भी नजर आते हैं। बता दें कि इनका जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था। अभिमन्यु सिंह ने अपने हिंदी सिनेमा करियर की शुरुआत साल 2001 में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म अक्स से की थी। इस फिल्म का निर्देश राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया था। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल के रंसा सिंह के किरदार से मिली थी। उन्हें इस भूमिका के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। उसके बाद वह वर्ष 2010 में राम गोपाल वर्मा निर्देशित फिल्म रक्त चरित्र में बुक्का रेड्डी की भूमिका में नजर आए थे। 12वीं पास छात्रों को जीविका पुस्तकालय में मिलेगी करियर काउंसलिंग। 12वीं पास छात्रों को जीविका पुस्तकालय में करियर काउंसलिंग दी जाएगी। 12वीं पास छात्रों के लिए ये एक अच्छी खबर है। बिहार के प्रखंड और जिलों में चल रही करीब 100 जीविका पुस्तकालयों में ट्रेनिंग दी जाएगी। मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करियर से संबंधित अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें विषयों के चुनाव, प्रवेश परीक्षा और उसकी तैयारी की जानकारी भी दी जाएगी। सभी पुस्तकालयों में ऑनलाइन सत्र का संचालन किया जाएगा। एक्सपर्ट के द्वारा सुझाव दिया जाएगा। इसके अलावा वेबिनार की भी तैयारी की जाएगी। चेहरे से होली के रंग को हटाने के लिए अपनाए ये नुस्खा। रंगों के त्योहार होली में रंग से बचना मुश्किल है। दोस्तों और परिवार वालों के संग होली में रंगों और गुलाल के बीच झूमने का एक अलग ही मजा है, लेकिन होली खेलने के बाद रंग चुराना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि किन नुस्खों को अपनाकर आप अपना रंग छुड़ा सकते हैं। रंग छुड़ाने के लिए बेसन में नींबू और दूध मिलाकर इसके पेस्ट को 15 मिनट तक रंग लगे जगह पर लगाकर छोड़ दें। फिर गुनगुने पानी से हल्के हाथों से रगड़ते हुए हटा लें। इसके अलावा खीर का रस निकालकर इसमें थोड़ा गुलाल जल और सिरका डालकर इसके पेस्ट को भी रंग हटाने के लिए चेहरे पर लगा सकते हैं। ट्रेनिंग में नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों के लिए निकला फरमान। 25 मार्च से 30 मार्च तक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले करीब 20,000 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने ट्रेनिंग लेने के लिए राजू शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्र पर उपस्थित होने को कहा था। अब एक नया फरमान राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने पत्र जारी करते हुए किया है। ट्रेनिंग सेंटर के सभी प्राचार्य को यह पत्र लिखा गया है। इस पत्र के जरिए कहा गया है कि राज्य के सभी ट्रेनिंग सेंटर में 25 मार्च से 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को परिषद ने 20 मार्च को ही पत्र के माध्यम से सूचना दी थी।
सूचना देने के बाद भी अभी तक कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ट्रेनिंग सेंटर में अब तक अपना योगदान नहीं दिया है। ऐसे सभी शिक्षकों को चिन्हित करके एक सप्ताह के वेतन की कटौती की जाएगी। वहीं शिक्षक संघ ने कहा कि बिहार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि होली जैसे त्योहार में भी सरकारी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया हो। आपके हिसाब से ये फैसला सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दो नर बाघ के बीच झड़प से एक बाघ की मौत। मामला बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन प्रमंडल के अंतर्गत मांगुराहो बंद क्षेत्र में गश्ती के दौरान की है। दरअसल वन कर्मियों को गश्ती के दौरान एक नर बाघ मृत मिला। जब बाघ की जांच की गई तो बाघ के गन और पीठ पर लड़ाई के निशान थे। इसके बाद चिकित्सा पदाधिकारियों को बुलाया गया। चिकित्सा पदाधिकारी ने मौके पर ही मृत बाघ और घटनास्थल का निरीक्षण किया। दरअसल आशंका जताई जा रही है कि नर बाघ की मृत्यु किसी अन्य नर बाघ के साथ क्षेत्रीय विवाद के कारण हुई है। इस मामले में वन विभाग विस्तृत जांच कर रहा है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे अजात शत्रु के किला के बारे में। अजात शत्रु का किला बेगूसराय के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किलों में से एक है। छठी शताब्दी के दौरान इस फोर्ट का निर्माण मगध के राजा अजात शत्रु ने बनाया था। राजा बिम्बिसार और रानी चेलना के पुत्र उन्हें मगध पर शासन करने वाले सबसे अधिक भयभीत और शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जाता था। जैन और बौद्ध की परंपराएं छोटे विवरणों में थोड़ी भिन्न है, लेकिन वे दोनों परंपराओं के अनुयायी थे। उन्होंने उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया और उन्होंने पाटलिपुत्र का निर्माण किया, जिसे अब राज्य की राजधानी पटना के रूप में जाना जाता है। सरकारी स्कूलों की वार्षिक परीक्षा में कई छात्र नहीं हुए शामिल। पटना जिले के स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का आयोजन हुआ, ऐसे में करीब 30 से 40 फीसदी छात्र अनुपस्थित रहे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूलों के एग्जाम में शामिल नहीं होने वाले छात्र और छात्राओं के अगले कक्षा में दाखिला लेने पर रोक लगा दी है। इसके लिए पटना जिले के स्कूलों के प्राचार्यों को आदेश दिया गया है। उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से पत्र जारी कर ये बात कही गई है। निरीक्षण के दौरान ये जानकारी सामने आई कि वार्षिक परीक्षा में कक्षा 9 से 12वीं की परीक्षा में 60 से 70 फीसदी की उपस्थिति रही। करीब 30 फीसदी छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इसके लिए पटना जिले के स्कूलों के प्राचार्यों को आदेश दिया गया है। उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से पत्र जारी कर ये बात कही गई है। निरीक्षण के दौरान ये जानकारी सामने आई है कि वार्षिक परीक्षा में कक्षा 9 से 11वीं की परीक्षा में 60 से 70 फीसदी की उपस्थिति रही। करीब 30 फीसदी छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इससे पहले कक्षा 9 और 11 में बच्चों का वार्षिक परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य किया गया था। पटना में राष्ट्रीय स्तर पर ये दो प्रतियोगिताएं होगी आयोजित। दो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं पटना में आयोजित होने वाली हैं। इनमें से एक प्रतियोगिता खेलो इंडिया जूनियर महिला तैराकी चैंपियनशिप 29 मार्च को होगी, तो वहीं दूसरा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 31 मार्च को राष्ट्रीय महिला कबड्डी लीग का आयोजन होगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के छात्रावास और निजी होटल में खिलाड़ियों के रहने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों की टीम इन दोनों प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है। इन तरीकों से होली में स्मार्टफोन को रखें सुरक्षित। होली के दिन स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने के कई तरीके हैं। कुछ तरीकों को अपनाकर स्मार्टफोन को रंगों आदि से सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसा नहीं करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होली के दिन गुलाल से फोन को बचाने के लिए इसे एयर टाइट जिप लॉक या वाटरप्रूफ पाउच में डालकर रखा जा सकता है। इसके साथ ही आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन आप ईयरफोन या ईयरबड लगाकर घर से बाहर ना निकले। ऐसा करने पर इसे रंगों से बचाना मुश्किल हो सकता है। जबकि अगर होली के दिन भूल चूक से आपके स्मार्टफोन के अंदर पानी चला जाता है तो इसे धूप में सुखा देना चाहिए। इसके बाद इसे सर्विस सेंटर में लेकर जाना चाहिए। इन चार कारणों से बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में हुआ सुधार। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। वहीं जिन बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी थी वह भी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 31 मार्च से पहले 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड प्रमुख ने बताया है कि इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट सबसे बेहतर रहेगा। आनंद किशोर ने इस बार के रिजल्ट में सुधार होने के चार प्रमुख कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि इस साल बिहार बोर्ड ने मासिक टेस्ट आयोजित करवाए थे। टेस्ट आयोजित करवाने के साथ ही रिजल्ट की कॉपियां बच्चों को दी जाती थी ताकि वे अपनी गलतियां देख पाएं और अपने परफॉर्मेंस में उन्हें सुधार करने का मौका मिले।
इसके अलावा कमजोर बच्चों को 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाती थी। साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाई गई थी। इस वजह से शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। ट्रेन से सफर के दौरान इन बातों का रखें ख्याल। देश में अधिकतर आबादी अपनी यात्रा के लिए ट्रेन से सफर करना पसंद करती है। ऐसे में किसी भी त्योहार के दौरान रेल से यात्रा करने वाले भीड़ और अधिक हो जाती है। जो भी यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं उनके लिए जरूरी है कि वे कुछ बातों का ख्याल रखें। ट्रेन में यात्रियों के सोने का समय रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक है। ऐसे में इस दौरान आप शोरगुल नहीं कर सकते हैं। साथ ही यात्री यात्रा के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान ले जा सकते हैं। इससे अधिक ले जाने पर आपको सामान का किराया देना पड़ेगा। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान आप प्लेटफॉर्म टिकट के साथ भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको टीटी से संपर्क करके अपने गंतव्य स्थान तक के लिए टिकट लेना होगा। प्रदेश के इन जिलों में बारिश की संभावना। प्रदेश में पटना समेत दक्षिणी भागों में बादल छाए हुए थे, वहीं उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई थी। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों को बादल के आवाजाही का सिलसिला बना हुआ है। कई जगहों पर तो बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी देखने को मिली। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार एवं मधेपुरा जिलों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा और मेघ गर्जन की संभावना जताई जा रही है। NOU में NASC से मान्यता पर दाखिला नहीं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में NASC से मान्यता मिले हुए 1 महीना से अधिक समय हो चुका है। फिलहाल दाखिला की अनुमति नहीं दी गई है। इस कारण यूनिवर्सिटी को फिर से UGC में पंजीयन के लिए अप्लाई करना होगा। वहीं बिहार में कई विद्यार्थी हैं जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। इनके दाखिले में देरी हो सकती है। विद्यार्थियों को एडमिशन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के नालंदा विश्वविद्यालय में नए सत्र में नामांकन की अनुमति नहीं दी गई है। इस कारण अभी नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर राजद नेता ने कांग्रेस पर कसा तंज। सीट बंटवारे का अभी भी महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग के मामला को देखते हुए अब राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। मीडिया से बातचीत के दौरान शिवानंद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जरूरत से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जिसकी वजह से सीट बंटवारे में दिक्कत सामने आ रही है। महागठबंधन में राजद बड़े भाई की भूमिका में है और उसी की ताकत के सहारे महागठबंधन को निकालना है। चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर दिया अपडेट। आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में NDA में सीटों का बंटवारा हो चुका है। चिराग पासवान की पार्टी LJPR को 5 सीटें मिली हैं। उन्होंने खुद ये ऐलान किया है कि वो हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सभी अन्य सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार है। चिराग पासवान ने कहा है कि होली के तुरंत बाद ही उनके पार्टी की प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि संसदीय बोर्ड ने उन्हें उम्मीदवारों को चुनने के लिए अधिकृत किया है। ऐसे में बोर्ड जल्द ही लिस्ट चिराग पासवान को देगा, इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में लालू परिवार ने मनाई होली। लालू यादव और उनके परिवार के कई सदस्य दिल्ली में होली खेलते नजर आए। इस दौरान राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और अन्य लोग भी मौजूद थे। वही तेज प्रताप अपने सरकारी आवास पटना से ही होली का जश्न मनाते नजर आए। आपको बता दें कि इस बार लालू यादव और उनके परिवार के कई लोग दिल्ली में हैं और वे सभी 27 मार्च को तेजस्वी यादव की बेटी का जन्मदिन मनाने वहां पहुंचे हैं। पटना में मौजूद तेज प्रताप ने तेजस्वी की बेटी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह मेरी बेटी है और मैं उसका बड़े पापा हूँ। उसका उज्ज्वल भविष्य हो, वो आगे बढ़े और उसे मेरी भी आयु लगे। होली के दिन भी सरकारी स्कूल खोले रखने पर पप्पू यादव ने कसा तंज। 25 मार्च को सरकारी स्कूलों के तमाम शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था। शिक्षकों ने सरकार के इस निर्देश का पालन भी किया और वह स्कूल भी गए। होली के दिन स्कूल जाने पर शिक्षकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगह से तो ऐसे भी मामले सामने आए जहां शिक्षकों पर गोबर, कीचड़, मिट्टी जैसी चीज फेंकी गई और कई जगह से शिक्षकों के साथ बदसलूकी का मामला भी सामने आया है। शिक्षकों के साथ हुई इस बदसलूकी पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने सबसे पहले होली की बधाई दी और फिर उन्होंने कहा कि बिहार में पाकिस्तान के
बिरयानी फ्रेंड बीजेपी का शासन है, इसलिए स्कूल में होली पर छुट्टी खत्म हो गया। केजरीवाल द्वारा जेल से आदेश जारी करने के बाद ललन सिंह ने कसा तंज। रविवार को अपना पहला आदेश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से जारी किया है। यह आदेश नोट के जरिए सीएम ने जल मंत्रालय को जारी किया है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने केजरीवाल के आदेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अब इसे देखते हुए जदयू सांसद ने केजरीवाल पर तंज कसा है। दरअसल जदयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि लोकतंत्र के स्वयंभू रक्षक भ्रष्टाचार के आरोपी नैतिकता की सारे हदें पार कर गए हैं। देश में नया इतिहास रचते हुए जेल से ही मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद गिरिराज सिंह ने कही ये बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि आज उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। सारी बातचीत संभावनाओं से भरी रही। एनडीए के रूप में हमने बिहार के सभी 40 सीटें जीतने की अपनी साझा प्रतिबद्धता पर चर्चा की है। हम सब मिलकर बिहार की प्रगति और समृद्धि के लिए समर्पित हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आज इन टीमों के बीच आईपीएल का सातवां मुकाबला। आईपीएल 2024 का सातवां मुकाबला 26 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाला है। दोनों ही टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हराकर सीएसके की टीम यहां पहुंच रही है। पिच को लेकर बात करें तो चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच काफी स्लो रहती है। चेन्नई में स्पिनर्स का दबदबा देखने को मिलेगा, साथ ही यह तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होगी। लेकिन यहां बल्लेबाजों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि बल्लेबाज एक बार वहां खुद को सेट कर ले तो अच्छा खासा रन बना सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। गुरु अमरदास ने आज ही के दिन 1552 में सिखों के तीसरे गुरु बने थे। इंग्लैंड ने आज ही के दिन 1668 में बम्बई पर अधिकार किया था। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी ने आज ही के दिन 1972 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया था। भारत के उत्तराखंड राज्य में 1973 में आज ही के दिन किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन किया, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। हिंदी कवित्री और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म आज ही के दिन 1907 में हुआ था। बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक और अभिनेता धीरेन्द्र नाथ गांगुली का जन्म सन 1893 में आज ही के दिन हुआ था। सन 2006 में आज ही के दिन भारतीय राजनीतिज्ञ अनिल विश्वास का निधन हुआ था। आप अपने क्षेत्रीय भाषा में भी चला सकते हैं व्हाट्सएप, जानिए कैसे। दोस्त और रिश्तेदारों से बात करने के लिए व्हाट्सएप सबसे पसंदीदा माध्यम बन चुका है। व्हाट्सएप भी अपने यूजर्स की सुविधा का ख्याल रखते हुए कई लेटेस्ट फीचर लेकर आता है। अब इसी कड़ी में व्हाट्सएप एक नए फीचर लेकर आया है। व्हाट्सएप के इस नए फीचर से अब आप अपने व्हाट्सएप को अपने मुताबिक किसी भी भाषा में चला सकेंगे। आपको बता दें कि 40 से भी अधिक भाषाओं में iOS पर और 60 से भी अधिक भाषा एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। भारत में कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनमें हिंदी, तेलुगु, बंगाली, तमिल, कन्नड़, गुजराती आदि शामिल है। अपने एंड्रॉइड डिवाइस में व्हाट्सएप की सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करना होगा, फिर दाएं ओर ऊपर दिए गए 3-डॉट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेटिंग में जाकर फिर ऐप लैंग्वेज पर जाना होगा, फिर अपनी भाषा को सेलेक्ट करना होगा। यदि आईफोन यूजर्स अपने फोन में इस तरह की सेटिंग चाहते हैं तो उन्हें आईफोन की सेटिंग पर जाना होगा। सामान्य पर जाकर भाषा और क्षेत्र टाइप करना होगा, फिर अपनी इच्छा अनुसार भाषा चुन ले। आवश्यक सेवा से जुड़े लोग चुनाव से पहले डाल सकते हैं वोट। लोकसभा आम चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बता दें कि आवश्यक सेवा से जुड़े लोग चुनाव से पहले वोट डाल सकते हैं। मतदान कार्य में नियुक्त कर्मियों के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार डाक मत पत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये मतदाता पोस्टल बैलेट के जरिए भी वोटिंग कर सकते हैं। आवश्यक सेवा से जुड़े लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मतदान से पहले ऐसे लोगों के लिए पोस्ट बैलेट पेपर एवं ETBPS को संघ के द्वारा पोस्टल वोटिंग की सुविधा दी जाती है। इसके तहत विद्युत सेवा, BSNL, रेलवे, डाक सेवा, दूरदर्शन, प्रसार भारती, दूध सेवा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सेवा, वायु सेवा, राष्ट्रीय राजपथ सेवा, अग्नि सेवा, यातायात सेवा, एम्बुलेंस सेवा और मीडिया से जुड़े कर्मियों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताते हैं जो बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 21 मार्च या ऑप्शन डी 25 मार्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 मार्च। हाल ही में किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? ऑप्शन ए बीना अग्रवाल, ऑप्शन बी जेम्स के बायस, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों या ऑप्शन डी नीता अचानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। हाल ही में कौन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोसी या ऑप्शन डी गोमती। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोसी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, गोनर शर्मा, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर करीम खान, सादुल्लाह पालवी, आसिया उन्मेश, ऋषि यादव, रवि कुमार, राम शंकर सिंह, दीपक कुमार, मुकेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपने होली मना लिया है तो कैसे मनाया और नहीं मनाया तो कैसे मना रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।